गुरु जी जय श्री मनारायण जी। गुरु जी चरण स्पर्श खुश रहिए। गुरु जी मेरे हस्बैंड थोड़ा अल्कोहल एडिक्ट हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं छोड़ने की, बट उनसे एक दो महीने छोड़ लेते हैं फिर वो नहीं छोड़ पाते हैं, और वो पेशेंट भी लीवर के हो चुके हैं। गुरु जी आप समझा दीजिए, मैं आपकी कहाँ बात कराइए। राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं भैया? राधे राधे। ठीक है। शराब पीते हैं? हाँ जी। रोज के? कभी कभी। कभी कभी ले लेते हैं। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। बेटा बेटी? एक लड़का एक लड़की है। शराब पियेंगे फिर बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? छोटे हैं बच्चे बहुत। तो बड़े नहीं होंगे क्या? बड़े होंगे, चाहते हैं आपसे कोई कुछ मार्गदर्शन दें आप हमको। मार्गदर्शन यही है कि हर काम करने से होगा। यदि आप इच्छा शक्ति आपकी सुदृढ़ है और आप चाहें तो शराब छोड़ सकते हैं। कितने लोग हैं जो शराब छोड़ चुके हैं? हजारों नहीं लाखों हैं। तो आप भी उनमें एक हो सकते हैं। आज से प्रतिज्ञा कर लीजिए, संकल्प कि हमें शराब पीना ही नहीं। जब शराब पीने का मन करे तो आप कथा सुनने लग जाइएगा, दास के मुंह से कही हुई, अपने आप आपका मन वहां से हट जाएगा। जी जी। 10-15 दिन ऐसा करिए फिर अपने आप मन जाएगा ही नहीं। ये मन आपके ही तो अधीन है, मन की मानोगे तो मन नरक ले जाएगा, इसलिए मन को थोड़ा कंट्रोल में आप ही करेंगे जी। हर व्यक्ति अपने अपने मन को स्वयं कंट्रोल कर सकता है। ठीक है? ठीक। तो आप संकल्प कर लेंगे आज? कर लेंगे, आज से कर लिया। चलो आज से अब कर लिया तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप निभा लेंगे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। एक सवाल था आपका, मेरा, कि जैसे हम आग में हाथ डालते हैं तो हम जल जाते हैं, टिट फॉर टेट, बच्चे आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, तो अगले से वो गलत आग में हाथ नहीं डालेंगे। इसी प्रकार पाप में होना चाहिए, जैसे हम पाप करें तो भगवान टिट फॉर टेट हम लोग को सजा दे दे, तो हम लोग फिर दोबारा से पाप ना कर पाएं। यही तो ईश्वर ने कुछ चाबियां अपने पास संभाल के रखी हैं। आपको आपका पिछला जन्म याद नहीं, आपको आपका अगला जन्म याद नहीं। आप पाप कर रहे हैं उस समय सुख मिलता है, भगवान रोकते नहीं। बात ऐसी है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, और वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देते हैं 10वीं 12वीं इत्यादि के, तो वहाँ टीचर लोग घूमते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। अब कोई बच्चा गलत लिख रहा है तो टीचर देख तो रहा है, क्या उसे रोक सकता है? बोलो। नहीं रोक सकता गुरु। और कोई सही लिख रहा है तो पीठ थपथपा सकता, शाबाशी दे सकता है? नहीं रोक सकता। फाइनल एग्जाम में आप जो करेंगे वो टीचर सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, बोलेंगे अभी नहीं, बोलेगा आपका रिजल्ट, आपका अंक बोलेंगे, आपके नंबर बोलेंगे। बस वही है, ईश्वर भी आपका पाप और पुण्य सब चुपचाप देख रहे हैं। जब फाइनल एग्जाम होके उसके बाद जब अंक आएंगे तो परमात्मा बताएंगे कितना पुण्य है कितना पाप, चुपचाप देखने की बातें हैं, नहीं बोल सकते। एग्जाम में टीचर कहाँ बोलते हैं, बोलने का क्या अधिकार है? फिर ऐसे ईश्वर ने आपको, आप सब हम सब एग्जाम दे रहे हैं, समझो अच्छे या बुरे, बस अभी ये एग्जाम पीरियड चल रहा है हमारा 25 साल का 50 साल का, अब सब देख रहे हैं भगवान, रोकेंगे कुछ नहीं। करो तुम मन का, अक्कल दे रखी है ना, साल भर पढ़ाया तो है, अब तुम गलत क्यों कर रहे हो? उसी प्रकार सत्संग कर तो रहे हो, समझ तो आ रही है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी अब बोलो तो भगवान देखेंगे, अभी रिजल्ट नहीं आएगा आखिरी। गुरु जी इन पर कृपा बना लीजिए, अब संघर्ष नहीं होता। अब इन पर ऐसी कृपा करिए कि सुधर जाएं, अब संघर्ष नहीं होता और डॉक्टर से इलाज भी इनका चल रहा है। आप सुधर जाएंगे वो कह चुके हैं। ठीक है भैया, हम विश्वास कर लें आप पर, हमारा विश्वास तोड़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। चलिए आप नहीं, हमारा नहीं। विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो भगवान अपने आप आप पे कृपा बरसाएंगे, ये निश्चित है। बस आप हमारे विश्वास की लाज रखिएगा, शराब ना पीजिएगा, खुश रहिए।